अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट मैन। क्या आप जानते हैं कि जो अमेजिंग सी पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो एक ऐसे इंसान ने बनाई है जिसका एक भी हाथ नहीं है, और दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कितना बड़ा है, और क्या आपने कभी जापान के इस रोलर कोस्टर ब्रिज को देखा है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे जिन्हें सुनने के बाद आप बोलोगे व्हाट अ फैक्ट मैन, क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। फैक्ट नंबर 1, तो फ्रेंड्स इनसे मिलिए। ये एक अमेरिकन बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 90 साल है, और इनका क्या है कि इनको योगर्ट मतलब दही बहुत पसंद है और ये उसे हर रोज खाते भी हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने एक पेंट की बोतल में से 1 लीटर पेंट को खा दिया योगर्ट समझकर, मतलब वो पेंट को दही समझकर खा गए, और वो भी 1 लीटर मतलब एक पूरा डब्बा पेंट का ये बूढ़ा आदमी अकेला खा गया था। और फ्रेंड्स, हैरानगी की बात तो ये है कि पेंट खाने से इनको कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक और सेहतयाब है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे पेंट को योगर्ट समझकर कौन खाएगा? अजीब फैक्ट है ना। फैक्ट नंबर 2, एक आर्टिस्ट थी जिनका नाम था आर्टिस्ट ओलिना, और इन्होंने एक बुकमार्क बनाया था। बुकमार्क मतलब आपने कोई किताब पढ़ी और पढ़ने के बाद आपने बुक के पेज के नीचे कुछ पेन वगैरह रख दिया, ये याद रखने के लिए कि हाँ यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है और यहीं से मुझे आगे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसे बुकमार्क्स बनाती थी, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी फंस गया है इसमें और उसके पांव ऐसे बाहर लटक रहे हैं। ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का बुकमार्क है जो कि आर्टिस्ट ओलिना ने पहली बार बनाया था। फैक्ट नंबर 3, तो फ्रेंड्स अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी लाइव स्ट्रॉ के बारे में सुना है? आपने बीयर गिल के शोज को तो जरूर देखा होगा डिस्कवरी में। तो वो क्या करता है कि अलग अलग जगहों पर पहाड़ों से और कहाँ कहाँ से पानी को रिफ्रेश करके पीता है, मतलब उसे प्योरीफाई करके पीता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो कि आप जंगल में हो और वहाँ आपको पीने के लिए गंदा पानी मिला, तो लाइफ स्ट्रॉ नाम की जो कंपनी है वो ऐसे स्ट्रॉस बनाती है कि अगर कहीं गंदा पानी हो तो ये उसे प्योरीफाई कर देता है। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे वो पानी को पी रहा है इस स्ट्रॉ की मदद से, और ये लाइफ स्ट्रॉ कंपनी ये क्लेम करती है कि ये सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देती है, मतलब ये दुनिया के सबसे अमेजिंग टूल्स में से एक है और इन स्ट्रॉस को कहते हैं लाइफ स्ट्रॉ। फैक्ट नंबर 4, मेज के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जैसे आप इसमें घुस गए और फिर बाहर आना भूल गए और फिर बहुत मुश्किल से मदद ले लेकर आपको बाहर निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, 60 एकड़ में मौजूद कूल पैच कॉर्न मेज, इसका आप ऊपर से व्यू देखो, ये एक्चुअल में मेज नहीं बल्कि भूल भुलैया है। और फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे हॉट मेज है। अगर आपके पास मैप हो तो फिर भी आप भूल जाएंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक इसके अंदर गए हैं उनमें से 90% से ज्यादा लोग भूल जाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, यह हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब 60 एकड़ जमीन में इतना बड़ा मेज, ऑसम। फैक्ट नंबर 5, एक चाइनीज गर्ल, एक 14 साल की लड़की थी, सबने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, और 10 साल बाद वो पुलिस को मिली। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि कहां? एक साइबर कैफे में। और फ्रेंड्स, बाद में पुलिस को पता चला कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलती थी और गेम्स खेलते खेलते अपना पूरा दिन गुजारती थी और साइबर कैब्स में ही रहती थी और पब्लिक टॉयलेट यूज करती थी, और ऐसे करते करते उसने 14 साल से 24 साल तक की अपनी जिंदगी गुजारी, और फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ एक गेम की वजह से। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी गेम, तो उस गेम का नाम है क्रॉस फायर, और ये चाइना का वाक्या है। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका के 32वें प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इनकी पेंटिंग हो रही थी, तो पेंटिंग करते करते वो पेंटर रुक गया और वहाँ खाना खाने चला गया, और वहीं पर उन्हें हेमरेज हो गई और उन्हें दिमाग में भी बहुत अजीब सा महसूस होने लगा और उनकी एक्सीडेंटली मौत वाकया हो गई। तो ये जो इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये आधी है, कम्प्लीट नहीं हुई, और ये एक बहुत ही फेमस इमेज है उनकी, और इस इमेज का नाम है अनफिनिश्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, क्योंकि इस पेंटिंग को बाद में कभी भी कम्प्लीट नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 7, एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिसे कहते हैं अक्रोशिया, और इसका मतलब यह है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं लाइफ में जिनके बारे में हमें पता है कि हमें इन्हें करना चाहिए एंड इट्स गुड फॉर अस, पर हम लोग नहीं करते हैं, जैसे हेल्दी खाना खाना, योगा करना, मतलब ये सब पता भी है लॉजिकली कि ये सब करने से लाइफ पीसफुल रहेगी, तब भी बहुत से लोग ये नहीं करते। तो इसकी आप डेफिनेशन देखो स्क्रीन पर, द वर्ड अक्रोशिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लैक ऑफ विल दैट प्रिवेंट्स अस फॉर डूइंग समथिंग दैट वी नो इज गुड फॉर अस। फैक्ट नंबर 8,
इनसे मिलिए। ये है आर्टिस्ट मेरियोज और आप इनकी पेंटिंग को देखो। ये शुरू से ही अपने ऐसे ही डिसेबल हाथों से पेंटिंग करते हैं, पर आप इनकी क्वालिटी को देखो। जिनके नॉर्मल हाथ हैं, वो ऐसी पेंटिंग बनाने का सोच भी नहीं सकते, मतलब उसके हाथ नहीं है फिर भी वो कितना अच्छा पेंटर है। तो फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल फैक्ट से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 9। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत बड़े बड़े प्लेन्स को मूवीज और यूट्यूब पे तो देखा होगा, लेकिन जिस प्लेन की आज हम बात करेंगे वो इन सब से बहुत अलग है। ये है स्ट्रेटोलॉन्च और 28 पैरों वाले इस प्लेन में टोटल 6 इंजन लगे हैं, जो कि सभी बोइंग 747 एयरक्राफ्ट के हैं। 2 सेपरेट कैबिन्स होने की वजह से ये बाकी के प्लेन से बिल्कुल अलग नजर आता है और ऐसे लगता है कि जैसे 2 प्लेन्स को आपस में जोड़ दिया हो। और आप इसके विंग्स को देखो, इसके विंग्स की लंबाई भी सबसे लंबी है, जो कि 385 फीट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर पैसेंजर्स कहाँ से बैठेंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्लेन पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर पॉल एलन की कंपनी स्ट्रेटोलॉन्च सिस्टम का। आमतौर पर सैटेलाइट को ग्राउंड पे मौजूद लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाता है, जिसमें अच्छे खासे पैसे भी खर्च होते हैं और बड़ी मिकदार में आलूदगी भी पैदा होती है। तो वहीं से हवा से लॉन्च करने वाली टेक्नोलॉजी के आने के बाद सैटेलाइट को स्पेस में भेजना काफी सस्ता और आसान हो जाएगा। फैक्ट नंबर 10। हमारी दुनिया में बहुत तरह के कीड़े मकोड़े और जानवर हैं, जिनमें से कुछ तो हाल ही में दरियाफ्त हुए हैं और कुछ हजारों सालों से यहीं पर रहते हैं। और फ्रेंड्स, चूहे भी जमीन पर रहने वाले उन पहले जानवरों में से थे, जिन्होंने अपनी कमाल की एबिलिटीज की वजह से लाखों सालों तक सर्वाइव किया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको रेगिस्तान में रहने वाले एक ऐसे चूहे के बारे में बताऊं जो कि अपनी सारी जिंदगी बिना पानी पिए गुजार सकता है, तो आप क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, ये है नॉर्थ अमेरिका के सूखे इलाकों में पाए जाने वाला कैंगरू रैट, जो कि अपनी सारी जिंदगी बिना पानी पिए गुजार सकता है। और ऐसा करने के लिए वो एक ट्रिक को अपनाता है, जिसमें ये क्या करते हैं कि बरसात के मौसम में ताज़ा नमी वाले बीजों को चुनकर रख लेते हैं और पूरे सूखे मौसम में उन्हीं बीजों की नमी से अपने जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है। मिस्टर चार्ल्स डेब्रेन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में अलग अलग किस्मों को बहुत ही अच्छी तरह से बयान किया गया है। अगर कभी वक्त मिले तो आप इसे पढ़ें और जानने की कोशिश जरूर करें। फैक्ट नंबर 11। तो फ्रेंड्स, जापान में एक ब्रिज है, मतलब एक पुल है, जिसका नाम है एशिमा ब्रिज और इसे जापान का रोलर कोस्टर ब्रिज भी कहते हैं। आप इसे स्क्रीन पर डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। इसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे गाड़ी रोलर कोस्टर के ऊपर चल रही है, मतलब आपने जब भी कार या बाइक पर सफर किया तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये ब्रिज कितना ऊंचा है, ऐसे जैसे पहाड़ पर जा रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, इस ब्रिज पर जब भी आप जाओगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप आसमान की तरफ जा रहे हो, ऐसे सीधा ऊपर। और ये दुनिया के सबसे अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक अमेजिंग सी इंजीनियरिंग है। फैक्ट नंबर 12। वर्ल्ड वॉर 2 को दुनिया की सबसे खौफनाक वार माना जाता है, क्योंकि इस जंग में दुनिया की 30% आबादी की मौत हो गई थी, यानी कि 8 से 9 करोड़ लोग। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 को ब्लेस्ड वॉर कहा जाता है, और उस मुल्क का नाम है आइसलैंड, क्योंकि जंग से पहले इस मुल्क पर डेनमार्क का कब्जा हुआ करता था। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 9 अप्रैल 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क को जंग में हरा दिया, जिसकी वजह से डेनमार्क का कनेक्शन आइसलैंड से टूट गया और फिर वहां आइसलैंड एक आजाद मुल्क बन गया। फैक्ट नंबर 13। किसी भी मोबाइल फोन कंपनी की एक कस्टमर लॉयलनेस होती है, मतलब वो इंसान इन फ्यूचर कंपनी के साथ टिक सकेगा या नहीं। जैसे आप नोकिया का मोबाइल फोन खरीदो, तो फिर क्या आप दोबारा नोकिया का फोन खरीदोगे और उसे कंटिन्यूसली यूज करोगे? तो फ्रेंड्स, अगर स्टैट्स की बात की जाए तो जो नोकिया कंपनी है उसका सबसे लोएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है, मतलब नोकिया यूजर्स ज्यादा देर तक कंपनी के साथ नहीं टिकते। और साल 2020 में किए गए एक सर्वे के हिसाब से एप्पल और वन प्लस दोनों का सबसे ज्यादा हाईएस्ट कस्टमर लॉयल्टी है, मतलब जो भी इंसान एक बार एप्पल का फोन खरीदता है तो वो बार बार एप्पल के फोन को ही खरीदेगा। और दूसरे नंबर पे है वन प्लस भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ग्रो कर रही है। फैक्ट नंबर 14। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पेन्स को इन्वेंट किया है जिनसे लिखने के बाद जब वो पेन खत्म हो जाएगा तो तब आप उसे मिट्टी में गाड़ सकते हो और फिर उससे फ्रूट और सब्जियां निकलेंगी। एंड यस फ्रेंड्स, ये इन्वेंशन बिल्कुल रियल है और इसे इको फ्रेंडली मेस कहा जाता है। इन्हें प्लांटेबल पेंसिल्स भी कहते हैं, प्लांटेबल पेंसिल्स। फैक्ट नंबर 15। गॉटहार्ड बेस टनल, ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट टनल है। ये दुनिया की सबसे लंबी टनल अंडरग्राउंड टनल यही है, गॉटहार्ड बेस टनल, और ये स्विट्जरलैंड से इटली तक जाती है।
मतलब ये स्विट्जरलैंड और इटली को कनेक्ट करता है। और फ्रेंड्स, इस टनल को बनाने में मजदूरों को 17 साल लगे थे, 17 ईयर्स। और ये टनल भी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी केयरफुल, बी सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।